अस्सलाम वालेकुम टिप्स टाइम के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं उन अहबाब के लिए नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हर वक्त ये रंडी रोना रोते रहते हैं कि मर्दाना बहुत ही ज्यादा कमी हो चुकी है, कमजोरी हो चुकी है। जहरी बात है, कमजोरी तब ही होगी जब आपने उल्टे काम किया होंगे, यानी के बच्चे दबोचे होंगे, हाथ गाड़ी ज्यादा चलाई होगी, पानी की तरह मादा नालियों में बहाया होगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर आज हाजिर हुआ हूँ कि जिसे आपने खुद बनाकर इस्तेमाल करना है। यानी आपको दो चीजें ऐसी बताने लगा हूँ, घरेलू चीजें हैं, बिल्कुल सादा और आसान चीजें हैं, लेकिन उनके फायदे अगर आप जान लें तो यकीन जाने कि अभी आप भागते हुए जाएं और जल्दी से जाकर ये चीजें लेकर आपने आके ये नुस्खा बना लेना है। सबसे पहले तो आपको दोस्तों बताऊँ कि ये आपकी टाइमिंग को इतना ज्यादा करेगा, यानी कि ज्यादा से मुराद ये नहीं है कि घंटों घंटों हो जाए, टाइमिंग 10 से 15 मिनट भी हो जाए तो वो बहुत ही काफी होती है, बेहतरीन होती है। और ये होगा कि जब आप फारिग होंगे तो फारिग होने के बाद भी आपके अज़ू में सख्ती और तंदी रहेगी। अब आप बड़ी हैरत में होंगे कि ये कौन सा नुस्खा है जो हकीम साहब बताना चाह रहे हैं, तो आइए जल्दी से फिर मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि टिप्स टाइम के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो जैसा कि मैंने बताया, लाजवाब घर का नुस्खा है, इतना बेहतरीन नुस्खा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पीसे हुए जौ के आटे का छान लेना है। पीसे हुए जौ के आटे का छान आपने 5 तोला लेना है। दूसरे नंबर पे आपने मुनक्का लेना है, मुनक्का 20 ग्राम आपने लेना है। इसको पहले अच्छी तरह से पानी में भिगो के साफ करके फिर आपने ये लेना है। और जो आखिरी चीज है वो है 1.5 पाव पानी। अब आपने क्या करना है, 1.5 पाव पानी में जौ के आटे का छान डाल लेना है और उसी में ही मुनक्का आपने डाल के अच्छी तरीके से उसको पकाना है। जब वो 1 पाव रह जाए तो आपने क्या करना है, उसको छान लेना है और उस पानी को आपने अपने पास रख लेना है और पानी आपने रोज पीना है। यानी कि वो जो लिक्विड बना होगा उसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह कुव्वत मर्दाना में बेपना इजाफा होगा, ऐसी ताकत आप में आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमने खाया क्या और हमने पाया क्या। बहुत ही बेहतरीन चीजों का नुस्खा आज मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है दोस्तों आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। मुझे दीजिए अब इजाजत, में मिलता हूँ कल इसी तरह के नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ही सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।